तो यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, इस वीडियो में जो है हम लोग पूरा डिटेल्स में जानेंगे कि ब्रिक वॉल जो बनता है उसमें एक ब्रिक और दूसरे ब्रिक के बीच में कितना गैप रहता है और उसको किस तरीके से फिल करते हैं, किस चीज़ से। तो इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में जानेंगे। तो जहाँ देख रहे हैं वीडियो में कि एक ब्रिक से दूसरे ब्रिक के बीच में जो है लगभग 3 mm का डिस्टेंस रहता है और उसको जो है हम लोग मोर्टार से फिल करते हैं, जहाँ देख रहे हैं। तो इस तरीके से जो है हम लोग वॉल में जो है एक ईट से दूसरे ईट के बीच के जो है गैप को हम लोग मोर्टार से फिल करते हैं और लगभग 10 mm का थिकनेस रखते हैं। इसका फ़ायदा क्या है, क्योंकि हम लोग जो है एक ईट को दूसरे को जो है हम लोग बाउंडिंग बना के रखना है। तो बाउंडिंग को बना के रखने के लिए, बाउंडिंग को जो है बनाने के लिए जो हम लोग मोर्टार प्रोवाइड करते हैं। और मोर्टार जो है हम लोग सीमेंट और सैंड का बनाते हैं। सीमेंट जहाँ एक भाग रहता है और सैंड जहाँ लगभग 6 भाग या 6 भाग से ही हम लोग मानते हैं। तो 1:6 इसका रेशियो में हम लोग जो है मोर्टार बनाते हैं और उसको जो है हम लोग यूज करते हैं ब्रिक कंस्ट्रक्शन, ब्रिक वॉल बनाने के लिए, मसनरी के लिए। तो जहाँ देख रहे हैं एक ईंट से दूसरी ईंट, मतलब एक ईंट जो बनता है जो दिया हुआ है वॉल के, उसके चारों ओर जो है लगभग 10 mm करके थिकनेस का मोर्टार प्रोवाइड किया जाता है, ताकि उसको गैप को फिल करता है, ताकि जो है दूसरे ब्रिक के साथ जो है उसको बॉन्ड बना के रख सके, जहाँ इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं। तो ये जो है हम लोग का ब्रिक मसनरी वर्क के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब इसको जो है हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकते हैं, कहीं 10 mm है तो कहीं 12 mm है, तो कहीं 8 mm है, तो कहीं 9 mm है। तो मतलब जो है ऑन एंड एवरेज हम लोग जो है 10 mm का थिकनेस लेके चलते हैं, हम लोग जो है प्रोवाइड करते हैं। तो इसकी तरीके से जो है हम लोग बना सकते हैं या फिर बनाते हैं कोई भी कंस्ट्रक्शन में ब्रिक वर्क जो है मसनरी वर्क करते हैं। तो हम लोग जो है पूरा डिटेल्स में इसमें तो देख लिए दोस्तों, जहाँ देखे वीडियो में, अब जो है हम लोग इसको जो है हम लोग प्रैक्टिकली तो देख चुके हैं, हम लोग जो है इसमें थ्योरेटिकली जो है देखेंगे कि कितना mm पर रहता है और किस तरीके से रहता। तो जैसे कि हम लोग वीडियो में देखे दोस्तों कि हम लोग का जो वॉल है, वॉल में जो देख रहे हैं एक वॉल है और इसका जो ये सब ब्रिक्स है दोस्तों, ये सब जो है बीच में जो है ब्रिक्स है और ये जो है हम लोग का दो ब्रिक्स के बीच का जो डिस्टेंस यही है। जो यहाँ से जो है हम लोग का मान लेते हैं कि यहाँ से ये जो हम लोग का दो ईट का ब्रिक्स, दो ब्रिक का जो है डिस्टेंस, दो ब्रिक के जो बीच में है ये गैप है। इस गैप को जो हम लोग फिल करते हैं वो हम लोग इसमें प्रोवाइड करते हैं मोर्टार। तो मोर्टार जो है हम लोग इसमें फिल करते हैं और जो है इसको गैप को फिल कर देते हैं। सिमिलर जो है इस इधर भी देखिए, ये हो गया एक ब्रिक, उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए यहाँ पर मोर्टार दिया हुआ है 10 mm का। तो मान लीजिए कि ये ब्रिक है तो इस ब्रिक के जो है इस तरफ भी देखिए 10 mm का मोर्टार दिया हुआ है, इस तरफ भी देखिए 10 mm का मोर्टार दिया है, इस तरफ भी 10 mm का मोर्टार दिया हुआ है और जो है इस तरफ भी 10 mm का मोर्टार दिया हुआ है। मतलब जब भी हम लोग ब्रिक वॉल बनाते हैं तो उसमें जो है बीच में जो है 10 mm करके हर एक ब्रिक के बीच में जो है सॉरी दो हर दो ब्रिक के बीच में जो है गैप जो है उसमें हम लोग 10 mm का मोर्टार प्रोवाइड करते हैं। तो मोर्टार प्रोवाइड क्यों करते हैं, इसलिए ताकि जो ये मोर्टार है दोनों ब्रिक का जो है बाउंडिंग को बना के रखे, इसलिए दोनों ब्रिक को जो है बाउंडिंग में बना के रखे, इसलिए हम लोग इसमें मोर्टार यूज करते हैं, मोर्टार से फिल करते हैं। तो इसको जो है हम लोग जहाँ देख रहे हैं हर एक ब्रिक के बाद जो है 10 mm करके मोर्टार है, उसके बाद फिर दूसरा ब्रिक है, ताकि जो हम लोग का बाउंडिंग बना रहे। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि दो ईटा के बीच जो है कितना mm का थिकनेस जो है मोर्टार प्रोवाइड किया जाता है। इसको जो है हम लोग रेशियो ले सकते हैं, इस सब का रेशियो जो है दोस्तों 1:6 होता है, 1:5, 1:4 नहीं के बराबर जो हम लोग जो है 1:6 जो है ज़्यादातर यूज करते हैं। मतलब एक भाग सीमेंट तो 6 भाग जो है हम लोग का सैंड, इस तरीके से जो है इस सब जो है खाली जगह को फिल करते हैं मोटर से। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे उम्मीद है कि वीडियो जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।